नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। इस समय हम बिहार के गोपालगंज जिले के नगर पंचायत हथुआ में हैं और हमारे साथ जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं पूजा जी, उनके पति हैं यानी उनके प्रतिनिधि हैं उपेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं हथुआ नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव को लेकर के। ए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है निकाय चुनाव में सिंबल नहीं दिया जाता है, तो इसके पीछे की क्या कुछ राजनीति है और आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? सिंबल के बात जो कर रही हैं तो ये बात तो सही है। कई बार उठा भी है कि पार्टी लेवल पर चुनाव कराया जाए, लेकिन बिहार सरकार किन कारणों से चुनाव नहीं करा रही है ये पता नहीं चलता है। दूसरे राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव यूपी में हुआ है, रिजल्ट भी आ रहा है, वहां पर तो पार्टी लेवल पे है। बिहार में ये समस्या है, हो सकता है कुछ इंटरनल मामला हो, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे और नुकसान देखकर कोई फैसला लेती है। आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं हथुआ नगर पंचायत में, क्योंकि पूजा जी जो हैं यहाँ की अध्यक्ष प्रत्याशी हैं यानी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारियां है कि हम लोग डोर टू डोर आम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी पत्नी भी जा रही है, उनका अलग ग्रुप बनाया है। हम अपने क्षेत्र के अपने गांव के युवाओं के साथ, जो भी सपोर्टर है उनके साथ भी अब डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके और अपने लिए वोट देने की अपील करते हैं। मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा लेकर के आप हथुआ में उतरे हैं? क्योंकि हम क्षेत्र की जनता की समस्याएं जानने की कोशिश की है, जिनमें क्षेत्र की जनता का कहना है कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, नाले नहीं है, काफी समस्याएं देखने को मिल रही है, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही है, विकास का ही मुद्दा है। जहाँ पे सड़कें और नाले नहीं है वहां पे बनाया जाएगा, और विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए किसी भी नेता के लिए। ये चुनाव जो लड़ता है उसका मात्र उद्देश्य विकास ही होना चाहिए। आम जनता को सिर्फ काम चाहिए, मान लीजिए मूलभूत आवश्यकताओं में आता है रोड और नाला। रोड एक ना होने की समस्या क्या होती है वो लोग समझते हैं, जिनके घर कोई रिक्शा भी नहीं जा पाता है, पैदल उतर के अपने घर जाना पड़ता है। उनकी बहू बेटिए जो शादी होता है उसके बाद भी ऊपर दरवाजे पर कोई गाड़ी नहीं जाती है, उनकी समस्या हमने देखी भी है और कई सड़कें हमने नई भी बनाई है। अभी आपने जैसे कहा कि पार्टी का एक सिंबल होना बहुत जरूरी होता है और पार्टी यहाँ पर सिंबल नहीं देती है, बिहार सरकार में पार्टी निकाय चुनाव में सिंबल नहीं देती है, तो अगर आपको सिंबल दिया जाए तो कौन से पार्टी से आप काम करना चाहेंगे, कौन से पार्टी आपको पसंद है, किसके लिए सक्रिय रहना चाहेंगे? हम तो भाजपा के पार्टी से ही काम करना चाहेंगे, वही हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा की जो ही पार्टी है उसके सपोर्टर हैं और उसके साथ हम लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही आपने क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी अभी इतने प्रोग्रेस में नहीं है जितनी आपकी जेडीयू है या फिर अदर पार्टीज है। ऐसी बात नहीं है, भाजपा कभी भी बिहार में आगे रही है, सिर्फ गठबंधन की राजनीति की शिकार हो जाती है और जिससे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अभी अलग अलग अगर चुनाव कराया जाए तो भाजपा कभी भी इन दोनों पार्टी पर बीस पड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हथुआ नगर पंचायत में, जनता का किन तरीके की समस्याएं? देखिए सड़कें और नाली तो हो गए, लेकिन इससे हट करके और कुछ समस्याएं होंगी जो बिहार की जनता को और हथुआ की नगर पंचायत की जो जनता है उनको उन समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। उसके बाद एक शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोड और नाले के बाद यही एक चीज फर्स्ट में आता है कि लोगों को शिक्षा बढ़िया से मिले और स्वास्थ्य के प्रति जो उनका जो सुविधा है सरकार की तरफ से उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और एक है रोजगार का, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है, पंचायत था, तो इसमें रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है और रोजगार के सृजन नहीं होने से लोग बाहर की तरफ निकलते हैं, शहरों में जाते हैं और अपनी रोजी रोटी करते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकालना चाहिए? बिहार सरकार को तो हर नगर पंचायत और नगर पंचायत स्तर पर भी रोजगार सृजन का काम करना चाहिए। सिर्फ मनरेगा में ही अटके हैं कि 100 दिन का रोजगार दे, लेकिन मनरेगा एक कोई बड़ी बढ़िया योजना नहीं है। मिट्टी काटने भरने से कोई रोजगार पैदा नहीं होता है। छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो होता है उसको अगर सरकार बढ़ावा देती है तो अब राज्य के साथ साथ देश का भी विकास होगा। अच्छा, आप अभी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था की पहले बात कर लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था में नीतीश चाचा जो हैं वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर शिक्षा देखी जाए और यहाँ के अगर अच्छे किसी सरकारी नौकरी या अच्छे लेवल के पोस्ट पर अगर किसी स्टूडेंट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार में देखने के लिए मिलता है। देखिए बिहार के लोग जुझारू है और जुझारू प्रवृत्ति के लोग कहीं ना कहीं आगे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग
ये तो खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आईपीएस आईएएस बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन सिर्फ आईपीएस और आईएएस हो जाने से हमारे देश राज्य का विकास तो नहीं हो जाएगा। और वैसे संख्या में देखिए, अगर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाए तो संख्या उसको देखिए कितने लोग बेरोजगार हैं। शिक्षा बढ़िया से ना मिलने के चलते शिक्षा का जो जो सेशन चलता है सेमेस्टर उसका इतना पिछड़ा है। अभी जेपी यूनिवर्सिटी का लीजिएगा तो बीए करने से होंगी तो आपका 3 साल में बीए का फाइनल हो जाता होगा, और जेपी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो 5 साल 6 साल भी लगता है। तो 3 साल बेकार भी गया और मानसिक रूप से वो कमजोर भी हुआ और उसको नौकरी का भी चांस खत्म होता है। तो मान लीजिए कुछ लोग आईपीएस आईएएस हो जाते हैं तो उसके बाकी लोग सब फेल हो जाते हैं, तो उसका क्या निकलता है निष्कर्ष? अच्छा, अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी हाल ही में पीएमसीएच पे कई सवाल खड़े किए थे जब वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे, और उसके बाद अब जब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सत्ता में नहीं रहने पर तो कोई भी चिल्लाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सत्ता मिलने के बाद समझ में आता है कि क्या करने लायक है। उनको जितनी समझ होगा उतना ही कर पाएंगे। सिस्टम ऐसा है कि जो सत्ता में आता है सारा लोगों का दुख दर्द भूल जाता है, उसको सिर्फ अपना काम दिखता है। अब सत्ता में है तो उन्हें करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों को दे, आम जनता को दे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आम जनता को कोई स्वास्थ्य सुविधा यहाँ मिल रही है बढ़िया। हॉस्पिटल में जाइए तो रेफर, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अनुमंडलीय अस्पताल से गोपालगंज, गोपालगंज से पटना, यही चलता है, रेफर का कार्य चलता है। बुखार का सर दर्द का दवा खाइए, घर आइए, बाकी सब ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं मिलता है सरकारी हॉस्पिटल में। क्या लग रहा है, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता का क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, और क्षेत्र की जो जनता है वो इस बार बदलाव लाने का ठानी है या अभी जस का तस बिहार वैसे ही रहेगा? देखिए, ये तो फर्स्ट चुनाव है नगर पंचायत का, हथुआ नया सृजन हुआ है और जनता के बीच में रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि मैं हथुआ का मुखिया प्रतिनिधि रहते हुए भी सारे क्षेत्रों में घुमा फिरा करता था, अलग अलग पंचायतों में भी आया जाया करता था, वहां भी मेरे बहुत लोग परिचित थे, यार दोस्त हैं, किसी ने भी मुझे जब भी बुलाया है मैं पहुंचा हूँ, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए बुलाया हो। तो लोगों के बीच में एक बात जरूर है कि उपेंद्र शर्मा को जब भी बुलाया जाता है वो हमारे बीच में आते हैं, और काम काम के दृष्टि से भी देखिए तो कोई मुझे फेलियर मुखिया नहीं कहता है कि फेल मुखिया है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा कोई कोई भी नहीं कहेगा। यह जरूर कहेगा कि ना काम उन्होंने किया है और मेरा काम दिखता भी है, मैंने काम जो किया 100 से भी ज्यादा योजनाएं मैंने की है अपने पंचायत में, छोटी बड़ी योजनाएं की है, कुछ काम बाकी है, कुछ अधूरे हैं, अब उसको भी पूरा करा जाएगा और अन्य क्षेत्रों में भी काम को जोर शोर से किया जाएगा। जैसा कि अभी आप बताए कि इससे पहले आपका मुखिया का कार्यकाल, आपकी भाभी जो हैं वो रह चुकी हैं यहाँ से, मुखिया भी रह चुकी हैं, तो इस बार अगर आपको हथुआ की जनता यानी पूजा जी को अगर सेवा देती है और उनको यहाँ से जिताती है, अपने सेवक के रूप में चुन लेती है, तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर क्या, आपका क्या कुछ उद्देश्य रहेगा, क्या कुछ तैयारियां रहेगा? बहुत बड़ा नाम है हथुआ के नाम से, आपको पटना में भी देखा होगा हथुआ मार्केट है, बनारस में है, कलकत्ता में है, और ये पर्यटन स्थल से भी हथुआ को नाम लिया जाता है। यहाँ सौंदर्य हथुआ का करने के साथ साथ हर को सुंदर बनाया जाएगा और लोगों को आवागमन सुचारू किया जाएगा ताकि उन्हें कोई रोड नाले की समस्या ना हो। रोड और नाले की समस्या से बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। अगर नाला आपके यहाँ नहीं है, जल जमा होता है तो आपको बीमारी होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, बहुत सी ऐसी रोग हैं जो उत्पन्न होती हैं, और जिसका खमियाजा ये है कि हमको हॉस्पिटल में और अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो एक समस्या पैदा होती है और एक कोई उपाय उसका समाधान निकाल देने से समस्याएं खत्म भी होती हैं। अभी मोदी जी ने योजना चलाया था शौचालय वाला योजना, घर घर शौचालय बना, तो आपने देखा होगा कि जब शौचालय बनना चालू हुआ उसके 1 साल बाद डायरिया का मामला बहुत कम आया। डायरिया का मामला अब देखिएगा बहुत कम हो गया, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि डायरिया फैलता है गंदगी से। जब खुले में मल मूत्र होता है तो विषाणु पानी में मिलते हैं, श्वास श्वास के रास्ते शरीर में जाते हैं और उससे बीमारी फैलती है। और आज देखिए बहुत हर घर शौचालय है, अपवाद में किसी यहाँ भूमि नहीं है वहां पर ही शौचालय नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम 95% लोगों के पास शौचालय आज उपलब्ध है। तो कोई भी कार्य योजना युद्ध स्तर पर किया जाए उसको मोटो बनाकर तो कोई काम असंभव नहीं है। तो आप थे हमारे साथ
उपेंद्र शर्मा जी, जो कि पूजा कुमारी जो नगर पंचायत हथुआ की चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि थे, और इन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इनकी चुनाव को लेकर के हथुआ नगर पंचायत में, और बिहार सरकार जो किसी भी पार्टी का सिंबल देने के लिए अभी भी परमिशन नहीं दी है, उस परमिशन के बारे में भी इन्होंने बताया कि ऐसा हर जगह पर जो है पार्टी अपना सिंबल देती है, तो बिहार में भी ये सिंबल्स जो है ये मिलने चाहिए। ऐसे प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे, ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनएस टुडे के साथ।